हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल अभी एक दो दिन से, बट कोई बात नहीं। आप सब बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हो कि वीडियोस डालो डालो, मैसेजेस तो करते ही हो बट झगड़ जाते हो बिल्कुल, ठीक है। और उनमें से रिसेंटली एक लड़की या फिर लड़का, पता नहीं वो कौन था, मतलब पता नहीं चल रहा था मुझे, उससे भी मैं झगड़ी हूँ। एंड शी इज़ जस्ट लाइक कि आप बहाने करते हो, आप वीडियो डाला करो और आपको कोई बहाना नहीं मिलता। एक बात मैं बताऊँ, अगर आप बदतमीज़ी करोगे मुझसे ना बहुत बदतमीज़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं सबको नहीं बोल रही, कुछ ऐसे लोगों को बोल रही हूँ। अगर बदतमीज़ी करोगे तो बदतमीज़ी बहुत बुरी तरीके से मैं करूँगी, क्योंकि मैं पीपल प्लीज़र नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मुझे बोल दो और उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, नहीं। मैं खुद आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी। हाँ, मतलब मेरा एक लिमिट रहेगा, उस लिमिट के आगे मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं मोस्टली नहीं जाती। तो वॉच योर वर्ड्स विथ मी, ओके। ऑलराइट, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मुझे लगा कि ये टॉपिक कभी कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना बेसिक है, इतना ऑब्वियस, इतना नॉर्मल, इतना रेगुलर टॉपिक, मतलब ये मुझे लगा कि सब जानते हैं इसको, किसी को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ टाइम से मुझे जो भी सेशंस बुक हो रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग सेशन पे करके मेरे पास आ रहे हैं, उन सबको ये डाउट है और कॉन्स्टेंटली 4-5 लोग मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो आई थॉट कि मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर पता नहीं आपने कहीं से तो लिमिटिंग बिलीव उठाया है, जिस वजह से सभी लोगों के दिमाग में आजकल चल रहा है कि हम अफर्म किस तरीके से करें। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, मैनिफेस्टेशन में कोई रूल नहीं होता, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में कोई रूल नहीं होता, कोई भी ऐसा रूल नहीं होता मैनिफेस्टेशन में। आप रूल क्रिएट करते हो, आप रूल मतलब डिस्ट्रॉय करते हो, आप रूल तोड़ते हो, सब आप ही करते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना एक कन्वीनियंट चीज़ अपने दिमाग में बना सकते हो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। देयर इज़ नो सच रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जिस तरीके से हम अगर उसको थोड़ा सा फॉलो करें और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें तो हम हमारे मैनिफेस्टेशन को जल्दी पा सकते हैं एंड रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। अफर्म हम किस तरीके से करें, रोबोटिक अफर्मेशन मैं मोस्टली सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। आप रोबोटिकली अफर्मेशन कीजिए थोड़े थोड़े देर के गैप में। अगर आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन ऐड कर रखा है, उसके साथ आप रोबोटिक अफर्मेशन कीजिए। रोबोटिक अफर्मेशन क्या मन में कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं मन में, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मन में करो, नॉर्मली ऐसे रिपीट करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। दोनों इक्वली काम करता है, कोई इससे ज़्यादा नहीं हो जाता, कोई कम नहीं हो जाता, इक्वली काम करता है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें आपको बहुत अपना कॉन्शियस इतना रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे कि क्लीन करना, ठीक है, क्लीनिंग, डस्टिंग, इतना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ता और आप ऐसे ही नॉर्मली बैठे हो, तब भी आप अफर्म कर सकते हो। इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के बैठ के अफर्म करना, बिल्कुल कॉन्शियस होके, बिल्कुल फोकस के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो भी कर सकते हो, बट आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हम माइंडलेसली अफर्म कर सकते हैं? बिल्कुल आप माइंडलेसली अफर्म कर सकते हैं। अफर्म करते टाइम फील नहीं होता, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती आपको फील नहीं होगा। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि आप जो फील करते हो वो मैटर नहीं करता, आप जो रिपीट करते हो वो मैटर करता है। तो व्हाट यू आर रिपीटिंग मैटर्स, ठीक है। तो आप जितना रिपीट करो, ठीक है, उतना मैटर करता है, उतना आपका अफर्मेशन सॉरी मैनिफेस्टेशन फास्ट आपके तरफ आएगा एंड आप जल्दी अट्रैक्ट करोगे। तो रिपीटेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि 10K अफर्मेशंस चैलेंज के ऊपर एक कुछ बताइए। देखिए, ये बेसिकली क्या होता है कि 10K अफर्मेशन चैलेंज, बेसिकली आपका कोई डिज़ायर है उसको आप उठाओ और उसके उससे रिलेटेड एक अफर्मेशन ले लो और 10,000 बार उसको अफर्म करो। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करती। मुझे तो हमेशा रिजल्ट मिला है, बट कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि अब 10,000 बार मैंने अफर्म कर लिया, कहाँ है अफर्मेशन, मेरा मैनिफेस्टेशन कहाँ है? क्योंकि आप वेट करते हो। कभी भी हम एक लिमिट लगा देते हैं ना किसी चीज़ पे कि इतने टाइम तक करना है, उतने टाइम तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। मैं 10 मिनट बोलती हूँ इसलिए क्योंकि वो आपको थोड़ा ईजी हो जाए। आप चाहे तो 1 घंटे बैठ के अफर्म करो, किसने रोका है? मतलब अगर हम एक ऐसा एक टाइम लगा दे किसी चीज़ पे कि इतने टाइम तक आपको अफर्म करना है, 10,000 बार अफर्म करो, उसके बाद ना आपका होगा कि 10,000 बार के बाद, मतलब अफर्म करने के बाद तो हो ही जाना चाहिए। मैं बिल्कुल, आप ना बिल्कुल फ़ोन चेक करोगे, इधर उधर के नोटिफिकेशन चेक करोगे, हुआ कि नहीं, कब होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं और डेस्परेट कर सकता है अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो, ठीक है।
अगर आपको ये जमता है तो आप कीजिए, बट मोस्टली मैं सजेस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप हो जाओगे थोड़ा डेस्परेट अगर आप ऑलरेडी ऐसे जोन में हो जहाँ पे आपको आप जहाँ पे 3D से वैलिडेशन मांगते हो मोमेंट के लिए, ठीक है, ये मोमेंट वो मोमेंट, नहीं वो नहीं करना है। दूसरी चीज़, आस्क अफर्मेशन क्या होता है, हम कोई भी अफर्मेशन से पहले व्हाई ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो होता है आस्क अफर्मेशन। इससे क्या होता है, जब हम दिमाग को क्वेश्चन करते हैं बार बार, व्हाई ही इज सो ऑब्सेस्ड विद मी, व्हाई आई एम सो रिच, व्हाई आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको आंसर करता है 3D में रिजल्ट दिखा के, और ये आपके दिमाग के लिए और भी ज़्यादा ऑब्वियस और ईजी हो जाता है हैंडल करना, कैच करना कि हाँ दिस इज समथिंग, शायद इस हमेशा होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये है व्हाई अफर्मेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्यों ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसी को करना चाहिए, ये जो मैं नॉर्मल अफर्मेशन कर रही हूँ ये गलत है, ये नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, मुझे यही करना चाहिए, नहीं। अगर मन कर रहा है तो कीजिए, नहीं कर रहा, आपने ऑलरेडी अपने एक अपने गट हेल्थ के हिसाब से, आपने एक गट हेल्थ के हिसाब से, मेरा गट हेल्थ खराब है, मेरा ध्यान भी वहीं चला जाता है, कोई बात नहीं, ओके। तो आप अपने हिसाब से आपने एक मेंटेन कर रखा है अफर्मेशन, ठीक है, और एक मैनिफेस्टेशन रूटीन, तो वही सही है, ठीक है। आपके अंदर से वो आवाज़ आया है तो आपके लिए वो बेस्ट काम करेगा, बेस्ट काम करेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अनोइंग लगती है, और ये चीज़ आपके लाइफ में रेजिस्टेंस तो ऐड करेगी ही, बल्कि आपको करेगी प्लस आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी को बिल्कुल मतलब ऐसा बना सकता है डेस्परेशन वाला, है ना। क्या है कि हम मैंने कभी भी सब्लिमिनल चैनल खोलती हूँ, उनमें होता है कि आई विल अपडेट, मैं अपडेट करूँगी, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, आज मैंने नहीं सुना, ठीक है, आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 4 दिन से सुन रही हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू आर अफर्मिंग, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा, लाइक सिंपली अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है, इधर तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है, पड़ेगा ही, जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर दैट थिंग ना, कि आप देख रहे हो कि कब आपको एक मोमेंट मिले, कब आपको एक मतलब आपको एक साइन मिले कि हाँ ये काम करना शुरू हो रहा है, तब आप और भी ज़्यादा पीछे चले जाते हो। बिकॉज जब आप एक बार दिमाग को बोल दिया इट इज़ ऑलरेडी डन, देन व्हाई यू आर कीप चेकिंग योर फोन, आप जाके हर एक पॉसिबल सोशल मीडिया क्यों चेक कर रहे हो, अपने डिज़ायर के हिसाब से कुछ भी हो, अपने अपीयरेंस चेंज से रिलेटेड कुछ अफर्म कर रहे हो अपने स्किन के लिए ये वो, फिर आप जाके मिरर में देख रहे हो हाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे चलेगा, है ना। जब आपने बोल दिया दिमाग को इट इज़ ऑलरेडी डन, मैं यहाँ पर ये चीज़ जी रही हूँ, यही मेरी रियलिटी है, फिर व्हाई आप क्यों पूछते हो, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, अपडेट दूंगी, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है ना, आपको क्या लग रहा है वो सुन नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ आप जब दिन में उठते हो तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, या फिर सोने से पहले नहीं होता, हमेशा होता है। वो जो टाइम होता है जब हम थोड़े से स्लीपी फील करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वाइड ओपन होता है, बिकॉज कभी उस टाइम ऐसा मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उस टाइम बहुत फास्ट दिमाग में चीज़ें घुसती है, और बहुत से टाइम पे हमारे सपनों को भी इन्फ्लुएंस करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या वही करता है, बट हम कुछ देख के सोए उसी से रिलेटेड सपना भी आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो उस वो जो गोल्डन टाइम है आपको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप जो अफर्म करके सोते हो और उठने के बाद, जैसे मैं बोलती हूँ जब आप उठते हो उसका जो 20 मिनट्स का गैप है ना उठने के बाद का, उसको वेस्ट मत करो रील स्क्रॉल करने में या फिर ट्विटर देखने में या फिर कुछ और करने में, ठीक है। आप उस टाइम बैठ के अफर्म कर सकते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अपने डिज़ायर से रिलेटेड, तो वो जो 20 मिनट्स है मतलब सो के उठने के बाद का, उसको वेस्ट ना करें, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। एंड हम कौन से लैंग्वेज में अफर्मेशंस दें, लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता, आप जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट है उसमें कीजिए, मैं इंग्लिश में देती हूँ, आप कोई भी अपना लैंग्वेज में अफर्मेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी, या तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि सबका एक एक क्वेश्चन लूँ अपने वीडियो में, फिर आप सबको आंसर करूँ। तो मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।